बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 7.4 11 क्लास मैथ एफएससी शुरू करेंगे। ये है कॉम्बिनेशंस के मुताबिक। इस एक्सरसाइज में हम कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम कर रहे थे परमुटेशंस को, उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, ये वाला एन पी आर। तो वो इक्वल होता था एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हम इसमें इस्तेमाल कर रहे थे। और जो कॉम्बिनेशन है उसमें ये होगा एन सी आर, हम इसको लिखेंगे एन सी आर, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं एन सी आर, ऐसे लिख लें या ये लिख लें। तो हम ज़्यादातर ये यूज़ करेंगे एन सी आर, इसको पढ़ेंगे। तो इसका फार्मूला है एन फैक्टोरियल, ऊपर वाली वैल्यू का फैक्टोरियल, और इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ तक तो ये और ये सेम है, ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल। लेकिन इसमें इजाफी तौर पर यह आ जाता है कॉम्बिनेशन में कि नीचे इसका आर का भी फैक्टोरियल आ जाता है। वहां पर परमुटेशन में ऐसे नहीं होता था, वो था ऊपर वाली का फैक्टोरियल और इन दोनों को माइनस करके उनका फैक्टोरियल। यहाँ पर एन फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल और नीचे वाली का भी फैक्टोरियल। अब ये कह रहे हैं इसको इवैल्यूएट करें, कॉम्बिनेशन को खोलें, 12C7 है ये, तो हम इसको यही फार्मूला ऑपरेट करेंगे। यहाँ पर एन जो है वो हमारा 12 है और आर जो है वो 3 है। एन जो है इसमें वो है हमारा 12 और आर है इसमें 3। फार्मूला इसको लगा देंगे एन सी आर, एन सी आर एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसमें लगा दी वैल्यूज। तो ये होगा 12C3 इक्वल हो जाएगा एन फैक्टोरियल, यानी कि जब 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, फिर एन माइनस आर, यानी इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, 12 - 3 फैक्टोरियल। यह आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और इन दोनों का आ गया 9 फैक्टोरियल। ये आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, ये आपको मिल जाएगा 220, ये आपको आंसर देगा 220। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर पे लिखें 12 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दें उसको 3 फैक्टोरियल से, जो आंसर आए फिर इसको डिवाइड कर दें 9 फैक्टोरियल से, आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से ये बनाएंगे हम एन फैक्टोरियल, ऊपर वाली का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे वाली का फैक्टोरियल, फिर इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, 20 - 17 माइनस किया तो उसका फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा। तो इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 1140 1140, दिया ये चीज। इसके बाद करेंगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, तीसरा पार्ट, तीसरा भी हम इसी तरह से बनाएंगे। तीसरे में है हमारे पास एन सी फोर, इसको भी यही फार्मूला लगा दें, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाई नीचे 4 है, 4 का फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल, यही फार्मूला था इसका। तो इसको खोल लें, नीचे देखिए एन माइनस 4 नजर आ रहा है, इसको एन माइनस 4 तक खोल लें, एन और इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एक एक काम करते जाए, ये एन था, एन आ गया, फिर एक काम किया ये आ गया, इसमें से एक काम किया ये आ गया, ये आ गया, और आगे आ गया एन माइनस 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर फैक्टोरियल लगा लें, इससे पीछे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एन माइनस 4 फैक्टोरियल मौजूद है, तो ये उसके साथ कट सकता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको रोक लीजिए, एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3, एन माइनस 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल है, चलें इसको लिख लें 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 3 2 1, ये इसके साथ कट गया, तो बाकी आपके पास बच गया एन इंटू एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसको तो खोलने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसको ऐसे रहने देते हैं, आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशंस बनाने का ये तरीका था। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड एन, एन मालूम करना है, एन सी 5 इज इक्वल टू एन सी 4 हो तो एन की जगह क्या आना चाहिए। अब देखें ये फार्मूला हमने यूज किया, एन सी आर इसके इक्वल है, इसके अलावा एन सी आर जो है वो इसके इक्वल भी होता है, एन सी इन दोनों को माइनस कर दें, एन माइनस आर के भी इक्वल होता है, उसको यूज करें या इसको यूज कर लें। तो इसमें हमें इसको इस्तेमाल करना ज्यादा आसान रहेगा, हमें एन निकालना है, तो आप चाहें तो इससे भी इसको सॉल्व कर लें, लेकिन इससे ये ज़रा लेंथी हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लें या इसको लिख लें, इसको लिख लें एन सी एन माइनस 5। इस फार्मूले के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला इक्वल है इसके एन सी एन माइनस 5 के, उधर इसको ऐसे छोड़ दें एन सी 4, ये आ गया। कंपेयर करें एन एन के इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा, एन माइनस 5 इज इक्वल टू 4, तो एन इज इक्वल टू आ गया 9। अगर आप इस मेथड से इसको करेंगे, इस वाले फार्मूले से, ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उससे ये काफी लेंथी हो जाएगा, आपको बहुत सी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर लें, इसको लिख लें एन सी 5 है, एन सी एन माइनस 5, इस फार्मूले के मुताबिक ये इसके इक्वल भी होता है।
इसके बाद आ गया इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी एन फाइंड करना है। ये है एन सी टेन, एन सी टेन दिया हुआ उसने कि ये 12 क्रॉस 11 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल के है, तो एन मालूम करें कि ये इसके इक्वल हो जाए। अब ये है हमारे पास एन सी टेन, एन सी टेन, तो इसको खोलें, इस फार्मूले के मुताबिक ये हो जाएगा कितना, 12 इंटू एन सी टेन इज इक्वल टू 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11। अब इसको ना 12 फैक्टोरियल बनाने की कोशिश करें, 12 फैक्टोरियल बनाने हैं तो इसमें 10 फैक्टोरियल हमें मजीद लगाने पड़ेंगे ताकि ये 1 तक चला जाए, तो 10 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, 10 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी कर दें, 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करना पड़ा तो डिवाइड भी करेंगे। अब ये हो गया एन सी टेन इज इक्वल टू, ये आ गया सारा हमारे पास 12 फैक्टोरियल, 12 से लेकर 1 तक ये आ चुका है, ये आ गया हमारे पास 12 फैक्टोरियल, तो नीचे ये है हमारे पास 10 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख लिया 10 फैक्टोरियल, और ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 जो है इसको हम लिख सकते हैं 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 फैक्टोरियल बनता है, ये 12 फैक्टोरियल बन गया, ये वाला 10 फैक्टोरियल बन गया, और ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 फैक्टोरियल है इसको हमने लिख लिया 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, 12 में 10 निकालेंगे 2 ही बनता है, 2 फैक्टोरियल का मुझे लिख। अब ये बना हमारे पास एन सी टेन इज इक्वल टू, अब देखें ये सारे का सारा, ये तो फार्मूला बन चुका है 12C10 का, क्योंकि इसको खोलने इस फार्मूले के मुताबिक तो यही आता है 12 फैक्टोरियल, ये आ गया 10 फैक्टोरियल, ये आ गया, इन दोनों को माइनस करके उसका फैक्टोरियल वो भी यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा उसको ये लिखा जा सकता है। कंपेयर करेंगे तो 10 10 के इक्वल है, तो बस एन जो है वो 12 के इक्वल हो गया, तो ये हमने इसमें से मालूम करना था, एन जो है वो इसका 12 के इक्वल है। इसके बाद करेंगे इसका थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, ये उसका थर्ड पार्ट है एन सी ट्वेल्व एंड एन सी सिक्स, तो इसको भी ये फार्मूला लगा लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा, आप चाहें दूसरा लगा के भी इसको खोल सकते हैं, इसको लगा लें या इसको लगा लें, इसको लिख सकते हैं एन सी एन माइनस ट्वेल्व, एन माइनस ट्वेल्व उधर है हमारे पास एन सी सिक्स, एन एन के इक्वल, और ये वाला एन माइनस ट्वेल्व जो है वो सिक्स के इक्वल, कंपेयर कर लें, ये हो जाएगा 6 प्लस 12, एन आपके पास आ जाएगा 18, यही हम इसमें मालूम करना था, एन की वैल्यू निकालनी।